अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम, जो मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, बी फॉर यू जो पावर थी टूस्करगी, एसआर पावर बनी वो भी टूस्करगी। आज का प्रोग्राम मेरा होगा दो हिस्सों पे। एक हिस्से पे मैं आपको बताऊंगा कि जो बी फॉर यू का नौसरबाज मालिक है सैफुर रहमान खान नियाजी, क्योंकि हमारा तो इतना काम था कि अदालत से ज़मानत रिजेक्ट होगी, हमने हकायक आपके सामने रखे। उसके बाद मेरा कोई मूड नहीं था कि कोई प्रोग्राम किया जाए, लेकिन आज उस नौसरबाज सैफुर रहमान खान नियाजी ने, मैं इसको इस वजह से नौसरबाज कहता हूँ क्योंकि उसका एक ही एम है पाकिस्तानी आवाम को लूटना। सैफुर रहमान खान नियाजी ने मुझे लीगल नोटिस भेजा, उसका मैंने जवाब दिया। वो देख लें अब लीगल नोटिस कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। हमने कहा ये सरमायाकारी के नाम पर आवाम से अरबों रुपये लूट रहा है। वो बात सच साबित हो गई, लीगल नोटिस आया, लीगल नोटिस का जवाब दे दिया। उसके बाद वो लीगल नोटिस कहाँ पे आया ये सैफुर रहमान खान नियाजी खुद बता सकता है, क्योंकि उसने मुझे मैसेज करके कहा था लीगल नोटिस के ऊपर प्रोग्राम करना। खैर, वो मैंने प्रोग्राम भी किया, नाज़रीन ने लाजमी देखा भी होगा। लेकिन आज चूँकि सैफुर रहमान खान नियाजी का एक वॉइस नोट वायरल हुआ, जिसमें फिर वही डाक के तीन पात बड़े बड़े दावे कर रहा है, अगर सैफुर रहमान खान नियाजी आपको पाकिस्तानी इदारों से प्यार है तो आप पाकिस्तानी इदारों के सामने सरेंडर क्यों नहीं करते। आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत खारिज हुई, आपने कहा जी मैं 2:30 बजे वहाँ से निकला, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि 2:24 का टाइम था जब आपकी ज़मानत खारिज होने का हुक्म हुआ। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2:10 पर निकले। अगर यकीन नहीं है तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वो कैमरों की रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए दावे से कह रहा हूँ क्योंकि जो आपकी 1:05 पर प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी और 2:06-07 तक वो प्रोसीडिंग रही, उसमें जो आपकी दलाइल हुए, बहस होती रही। खैर, वो प्रोग्राम ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अब उसका जब तफसीली फैसला सैफुर रहमान खान नियाजी की ज़मानत रिजेक्ट होने का जब आएगा, उसके ऊपर भी मैं प्रोग्राम करूँगा। आज का जो सैफुर रहमान खान नियाजी का वॉइस नोट था, उसने वो ख़ुद तस्लीम कर रहा है कि उसको कहा गया है कि 48 घंटे अपना मोबाइल नंबर बंद रखो। मतलब ये हुआ कि सैफुर रहमान खान नियाजी को खौफ है गिरफ्तारी का, जिस वजह से उसने अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया। अब मज़ीद वो वॉइस नोट में ये कहता है कि जी मुझे मज़ीद कहा गया है कि मंगल तक अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ रखो, और मंगल में सैफुर रहमान खान नियाजी दावा करता है कि मैं दोबारा आपके साथ मिलकर बैठूंगा। एक तो ये हो गया, दूसरा ये सैफुर रहमान खान नियाजी शेख शामी जो इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन है, मलिक नवीद, सरदार रियाज, मामून, राजा रियाज और दीगर जो एक टोला है, उनकी जानिब से मुझे मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं। और इस प्रोग्राम में मैं ये आपको बता दूँ कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके ज़िम्मेदार ये सैफुर रहमान खान नियाजी, शेख शामी, सरदार रियाज, मामून, कैप्टन अरसलान, राजा रियाज और दीगर जो उनका टोला बना हुआ है, उनकी इंटरनल जो गुफ्तगू होती है वो भी काफ़ी हद तक मेरे पास आ जाती है, जिसमें ये भी कहा गया कि इसको मरवा देते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रावलपिंडी क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन का मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। तो ये मैंने बात अपनी जो एसोसिएशन है उन तक भी पहुँचा दी। ऑलरेडी जो मेरे घर में थ्रेड लेटर आया था उसकी FIR भी मैंने करवाई थी, लेकिन उसके ऊपर प्रोग्राम मैंने किया नहीं, मैंने कहा रहने दे प्रोग्राम। लेकिन अब जब से ज़मानत खारिज हुई है, मुझे मुसलसल जो पैगामात मौसूल हो रहे हैं मुख्तलिफ ज़राए से, और जिस तरह आप धमकी मेज़ रवैये में कह रहे हो कि मरवा देंगे, तो ये ख्याल करना कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके ज़िम्मेदारी सैफुर रहमान खान नियाजी, शेख शामी, सरदार रियाज, मामून, राजा रियाज और दीगर पर होगा। एक और बात नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि जो शेख शामी है वो दुम दबाकर वापस भाग जाएगा, क्योंकि FIA साइबर क्राइम सेल ने बहुत सा खोज लगा लिया, जिसमें हुंडी शामी ये कहता है कि मैं हुंडी के ज़रिए रकम बेचता हूँ। खैर, एक तो मैंने थ्रेड के हवाले से बताना था कि ये जो धमकियाँ दी जा रही हैं इनसे मैं डरने वाला नहीं हूँ, अगर डरना होता तो मैं जर्नलिज्म ही ना करता। और दूसरी रही बात एम शॉपिंग वर्ल्ड के हवाले से भी मैं बात करूँगा, लेकिन आज जो सैफुर रहमान खान नियाजी का वॉइस नोट था उसमें उसने कहा जी डुगडुगी बजा रहे हैं। तो सैफुर रहमान खान नियाजी, डुगडुगी तो बजने के बाद आप भाग गए हैं ना,
जिस तरह डुबडुबी बैठती है ना तो बंदर नाचता है, उसी तरह आप कभी कहाँ पे कभी आप एक खास मिनिस्टर की गोद में जाके बैठ जाते हो, वो भी मुझे मालूम है कि आप 3 दिन पहले किस मिनिस्टर के पास थे और वहाँ पे क्या क्या होता रहा। मैंने अगर गिरफ्तार करवाना हो ना सैफुर्रहमान खान न्याजी, तो मुझे आपकी हर हर लोकेशन का पता है कि इस वक्त आप कहाँ पे हो। आपने बेशक मोबाइल नंबर बंद कर लिया है, लेकिन बहुत से और भी ज़राए होते हैं, आपके दाएं बाएं बहुत से लोग होते हैं जो इन्फॉर्म कर देते हैं। तो ख्याल कीजिए, आपने दोबारा आज ये कहा जी यूट्यूबर्स ये कहते हैं, और मेरे भाई कोर्ट की प्रोसीडिंग में मैं वाहिद, मेरे साथ एक दो और भी जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, ठीक है, मैं अगर यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम करता हूँ तो मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ। तो जहाँ तक डुगडुगी बजाने के ताल्लुक है, तो डुगडुगी बजाने पे जिस तरह बंदर नाचता है, इस तरह आप नाच रहे हैं, कभी कहाँ पे सर छुपा रहे हैं, कभी मिनिस्टर की गोद में बैठ रहे हैं और कभी किस मिनिस्टर की गोद में बैठ रहे हैं, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी आपको यही बात कही है कि आप प्ली बार्गेन कर लें, और जो अपेरेंटली यही नज़र आ रहा है कि सैफुर्रहमान खान न्याजी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नौसरबाज है और अपने आप को शो करता है कि मलक रियाज 2 है, ये जो मलक रियाज है वो हाउसिंग सोसाइटी में बना था, वो इस तरह पोंजी स्कीमें लॉन्च करके लोगों को लूट कर नहीं बना था, उसने कुछ शो किया था, आवाम को रिहायशी मनसूबे दिए थे, वो मलक रियाज बना था। तो मलक रियाज 2 आप नहीं बन सकते, एक बात तो ये होगी। दूसरा 48 घंटे, अच्छा सबसे अहम बात नाज़रीन, सैफुर्रहमान खान न्याजी कहता है मैंने अगर भागना होता तो मैं चार्टर्ड तैयारे पर भाग देता। भाई पहले पाकिस्तानी रूल्स रेगुलेशंस पढ़ लो, जो इदारे बने उनके कवानीन क्या कहते हैं। तो सैफुर्रहमान खान न्याजी आपका नाम ECL में है, और ECL में जब नाम होता है तो जितने जिस तरह नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में है, दीगर पाकिस्तान में जितने एयरपोर्ट्स हैं तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर आपका डाटा जा चुका है। तो ये सोचो भी ना कि आप बजरिया चार्टर्ड तैयारे इस मुल्क से फरार हो जाओगे, क्योंकि आपका नाम ECL में, और जैसे ही आप वहाँ आपका वेयर अबाउट एयरपोर्ट के ऊपर, ख्वाह वो चार्टर्ड तैयारा हो या ख्वाह वो कोई भी एयरलाइन हो, जब आपका नाम दिया जाएगा तो IBMS सिस्टम एक होता है। अब वो सिस्टम क्या है, ये FIA को जो जानते हैं या FIA की जो बीट करते रहे हैं, क्योंकि अब मैं दावे से कहता हूँ सैफुर्रहमान खान न्याजी को ये भी नहीं पता कि IBMS सिस्टम क्या होता है। तो जब आपका पासपोर्ट मारा जाएगा ना तो वो ब्लिंक करेगा, तो आप भूल जाओगे कि आप पाकिस्तान से भाग सकते हो। आपने अगर भागना है तो आप ज़मीनी रास्ता, वो वाहिद रास्ता है, आप इस मुल्क से फरार हो सकते हो। फिर आपने ये कहा जी कि मैं हक पर हूँ। यार अगर आप हक पर होते ना तो आप जिस तरह दुम दबा कर भाग रहे हो ना, डुगडुगी बज रही है तो आप सर छुपा रहे हो, तो इतना ही पाकिस्तानी आवाम से या पाकिस्तानी इदारों से प्यार है, आपकी ज़मानत रिजेक्ट हुई है, सरेंडर करो नैब के सामने जाके। अब आप इस उसमें हो कि किसी तरीके से तफसीली फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है तो आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी इंशाल्लाह आपको रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि आप 2 नंबर काम कर रहे हो। आपने कहा जी, बल्कि आपने अपनी वॉइस नोट में खुद कहा कि कानून की पासदारी करता हूँ। कौन से कानून की पासदारी करते हैं, 2 नंबर काम करते हैं। अगर वाकई कानून पसंद है तो सरेंडर करें नैब के सामने। इसके अलावा आपने कहा जी हमें SEC ने 4 अरब रुपए का फाइन किया, तो आपको 4 अरब रुपए का फाइन किया, आप वो फाइन भरते ना, आप उस फैसले के खिलाफ क्यों गए हैं, क्यों रिव्यू में गए हैं? अगर इतना ही था तो उस फैसले के खिलाफ आप जरूर जाते। सिस्टम चला रहे हैं ता हयात सिस्टम चलेगा, ये आपका दावा है, ये गलत दावा है। तो ये एक तो ये बात थी कि सैफुर्रहमान खान न्याजी का मतलब ये हुआ कि मंगल तक उसका नंबर बंद रहेगा, लेकिन मैं आपको आगाह करता रहूँगा अब कि सैफुर्रहमान खान न्याजी कहाँ पे है। मैंने जिस तरह आपको बताया कि 3 दिन पहले वो एक मिनिस्टर की गोद में बैठा हुआ था, ठीक है, ये दावा गलत साबित करे सैफुर्रहमान खान न्याजी। इसके अलावा 5 स्टार के ऊपर भी मैंने प्रोग्राम करना है, और मैं बताऊँगा, मैंने दावा किया वो इंडिया से ऑपरेट होता है, वो मैं साबित करके आपको दिखाऊँगा कि 5 स्टार जो हरीश कडेला है उसका असल नाम क्या है। आमिर मुगल आप सब जानते हैं, और इसके अलावा एक और उनका जो इंडिया का जो उन्होंने मैनेजर बनाया या मालिक बनाया है, उनकी असलियत क्या है, वो मैं आपके सामने आइंदा 1-2 रोज़ तक ज़रूर रखूँगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।